बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं अपने चैनल नॉलेज स्पॉट में सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम एक टैबलेट बायवास के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन घंटे के निशान को भी ज़रूर प्रेस कर दें। बायवास टैबलेट ये आपको मुख्तलिफ स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, 2.5 mg, 5 mg, 10 mg। तो ये फार्मा व्यू कंपनी की तैयार करदा है। तो अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट के यूजेस, यानी इसको किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टैबलेट हाई ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती है, यानी ऐसे अफराद जो ब्लड प्रेशर में मुबतला हों तो उनके लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इस टैबलेट को हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर ही आपकी कंडीशन के मुताबिक देखकर आपको इसकी डोज़ रिकमेंड करेगा। और ये आपके ब्लड प्रेशर पर मुनसर है कि इसकी कौन सी डोज़, मसलन 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, ये आपका डॉक्टर ही आपको बेहतर इस बारे में सजेस्ट कर सकता है। ये प्रेस्क्राइब टैबलेट से सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा इतना करना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट के चंद एक साइड इफ़ेक्ट्स। इसके तो कोई ख़ास इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बस चंद एक मरीज़ों में मतली वगैरह शुरू शुरू में करवा सकती है। तो अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट की वार्निंग, यानी कौन से मरीज़ इसका इस्तेमाल ना करें, अगर करें तो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हूँ वो भी इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करें, और प्रेगनेंट वूमेन वो भी इसका इस्तेमाल हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से करें, या ऐसे अफराद जिनको इस फार्मूले नेबिवोलोल से एलर्जी हो वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे से करें, या अगर कोई किसी किस्म का कोई मसला हो तो इस टैबलेट को फौरी तौर पर बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।